myself Vaidya Jagruti Shanisera, professor and head of the department Agatantra, Global Institute of Ayurveda, Kasturbada, Tramba, Rajkot. आज हम स्टीरोइड्स के बारे में बात करेंगे जो कि अगत तंत्र के 100 स्पेसिमेंस है, उसमें से मिस सेलेनियस ड्रग्स के अंतर्गत आता है और मेडिकल जगत में उसको बहुत ही ज़्यादा तौर पर प्रिस्क्राइब किया जाता है और एथलेट्स भी उसको काफ़ी अपने तरीके से यूज़ करते हैं उसका इफ़ेक्ट्स देख के। पर लेकिन वो अगर हमने ज़्यादा डोज में और ज़्यादा समय तक ले लिया तो उससे हमें एडवांटेज के बजाय डिसएडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं। तो ओवरऑल वो हेल्थ के लिए अगर अनप्लान लिया जाए तो ज़्यादा हमें नुकसान करता है। इसलिए आज हम देखेंगे कि स्टीरॉइड्स क्या है, किस तरह से लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। तो स्टीरॉइड्स क्या है? तो स्टीरॉइड्स ऐसे ABCD ऐसी फोर रिंग्स में 17 कार्बन एटम्स का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो अरेंज होता है और उसको वो नेचुरल भी होता है, मतलब एनिमल और प्लांट्स में से हम नेचुरली भी डिराइव कर सकते हैं और उसको सिंथेटिकली बाहर से लैब में बनाया भी जाता है। उसको ऐसे जो ड्रग कंपाउंड है उसको हम स्टीरॉइड बोलते हैं। इन शॉर्ट फोर ABCD नाम की फोर रिंग में 17 कार्बन एटम्स का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो या तो नेचुरल है या तो सिंथेटिकली बनाया गया है। उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसको हम स्टीरॉइड के नाम से जानते हैं। स्टीरॉइड्स कैसे है, मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ड्रग्स के वो कैसे है? तो वो जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड्स है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ओवरीज, टेस्टिस वगैरह, उसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं, मतलब अंतःस्राव निकलते हैं, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही केमिकल स्ट्रक्चर वाले स्टीरॉइड्स ड्रग्स होते हैं। स्टीरॉइड्स आर इम्पॉर्टेंट इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मेडिसिन, दोनों में, तीनों साइंस में, मतलब जीव विज्ञान में, रसायन और मेडिसिन, तीनों में बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रग्स कंपाउंड है। इसमें कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड होते हैं स्टीरॉयड ग्रुप में? तो उसमें ऑल द सेक्स हार्मोन्स, मतलब टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फिर एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टिजोन, हाइड्रोकोर्टिजोन हार्मोन्स, बाइल एसिड्स, वर्टिब्रेट्स के कोलेस्टेरॉल, इंसेक्ट का मोल्टिंग हार्मोन्स एंड मैनी अदर फिजियोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस जो कि हम एनिमल्स और प्लांट्स से डिराइव करते हैं वो सब स्टीरॉयड ग्रुप में समाविष्ट होते हैं। एमंग द अब जो सिंथेटिक स्टीरॉयड्स हम बनाते हैं बाहर लैब में, हार्मोन जैसे केमिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका फोर रिंग होता है और 17 कार्बन एटम्स होते हैं और उसका सिमिलर एक्शन हार्मोन के जैसा होता है, वो हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो उसकी थेरापेटिक वैल्यू देखें तो हम एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स के तौर पर उसको यूज़ करते हैं। दूसरा, ग्रोथ को स्टिम्युलेट करने के लिए, मतलब वृद्धि, शरीर की वृद्धि विकास बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। और तीसरा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मतलब बच्चे न होने देने के लिए हम ओरली जो ड्रग्स लेते हैं उसमें जो ये सिंथेटिक स्टीरॉइड्स लिए जाते हैं। टाइप्स ऑफ स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स के टाइप्स, प्रकार कौन कौन से हैं देखे तो देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरॉइड्स यूज टुडे, आज के युग में यूज होने वाले। एक तो एनाबोलिक स्टीरॉइड है जो मोस्ट कॉमनली एब्यूज होने वाले, मतलब जिसका मिसयूज होता है
बड़े तौर पर उसको, वो एनाबॉलिक स्टीरॉयड है, उसका फंक्शन क्या है तो देखे तो टू इंक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं। दूसरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, वो आर्टिफिशियली उसको कोर्टिजोन बोलते हैं, मेडिकली इंजेक्टेड टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन और इंजरी को रिड्यूस करने के लिए कोर्टिजोन और हाइड्रोकोर्टिजोन सिंथेटिकली बनाए गए लैब में, उसको यूज़ मेडिकल जगत में बहुत ही होता है। एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड तीसरा हैज़ एन इनाबोलिक इफेक्ट्स ऑन बोन्स, स्केलेटल मसल एंड वोकल कॉर्ड्स। यूज टू ट्रीट मसल एंड बोन जहाँ मसल्स और बोन का डिजेनरेशन है वहाँ एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड यूज़ होते हैं। मतलब एनाबॉलिक स्टीरॉयड, कॉर्टिको स्टीरॉयड एंड एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड, ऐसे तीन टाइप्स के स्टीरॉयड है वो हम डेली डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। यूजेस फॉर्म एंड रूट्स ऑफ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वो देखें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड एड्रिनल ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन बनते हैं कोर्टिजोन और हाइड्रोकोर्टिजन वो है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड करते क्या है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिमिक द ग्रोथ हार्मोन्स बेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स। कॉर्टिजोन एंड हाइड्रोकोर्टिजन से जो ग्रोथ हार्मोन बनते हैं उसको बढ़ाते हैं। और बाकी क्या क्या करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मतलब कॉर्टिजोन और हाइड्रोकोर्टिजोन हम बाहर से देते हैं तो शरीर का वृद्धि और विकास बहुत ही बढ़ता है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, इम्यूनिटी फंक्शन को इम्प्रूव करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का दो टाइप्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड बॉडीज का सॉल्ट एंड वाटर लेवल मेंटेन करता है, फिर सेक्सुअल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, एंड इलनेस और इंजरी से जो हमें स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को कम करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन बर्थ कंट्रोल पिल्स में भी यूज़ होते हैं, और इस्ट्रोजन की रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी स्टीरॉइड्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में होता है। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का यूज़ देखें तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स आर केमिकली सिमिलर टू द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के जैसा ही केमिकल स्ट्रक्चर एनाबॉलिक स्टीरॉइड का है एंड आर समटाइम्स यूज बाय एथलेट्स, वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं इंक्रीज मसल मास एंड फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। एथलेट्स वो है एनाबॉलिक स्टीरॉइड का यूज़ करते हैं। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स आर यूज टू ऑफसेट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी एज वेल एज टू ट्रीट एनीमिया एंड स्केलेटल एंड ग्रोथ डिसऑर्डर्स। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स है वो कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसमें जो रेडिएशन और कीमोथेरेपी लेते हैं, रेडिएशन और कीमोथेरेपी के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो दूर करने के लिए भी यूज़ होते हैं, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होते हैं, और स्केलेटल और ग्रोथ डिसऑर्डर के लिए भी यूज़ होते हैं। तो हमने देखा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का यूज़ बहुत ही होता है। फॉर्म्स क्या है, तो कि टेबलेट और लिक्विड फॉर्म में होता है। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से होता है, तो ओरली भी हो सकता है और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी, IM भी दिया जाता है। स्ट्रीट नेम्स क्या है स्टीरॉइड्स के, तो अर्नोल्ड्स, जिम कैंडी, जूस, पंपर्स, रेड्स, स्टेकर्स, यंग रोड्स, इमेज ऑफ स्टीरॉइड्स। हम स्टीरॉइड्स को क्यों यूज़ करते हैं, तो कि स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, एथलेटिक एबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, मसल गेन करने के लिए, और
यूफोरिया मतलब हम खुश रहने के लिए, मतलब मूड बहुत अच्छा बन जाता है स्टीरॉयड लेने से, फास्टर जिम में रिकवरी रेट, हमारा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का, मसल्स का ग्रोथ बहुत जल्दी और अच्छा होता है और स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, इस वजह से स्टीरॉयड को लेना हम पसंद करते हैं। द प्रेशर दैट यंग एडल्ट्स फेस एवरी डे दैट लीड टू स्टीरॉयड यूज, यंग लोगों को स्टीरॉयड का यूज़ अगर पता है तो वो लेने के लिए बहुत ही अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उसको क्या बनना है, तो द डिज़ायर टू बी बिगर फास्टर एंड स्ट्रोंगर एथलेट, अगर वो जो स्पोर्ट्समैन है तो उसको मोटा बनना है और बहुत ही स्ट्रेंथ वाला बन के कंपटीशन में आगे रहना है। वेट वॉन्टिंग टू लिव अप टू एक्सपेक्टेशन ऑफ फैंस एज वेल एज कोचिस, उसका फैंस जो होते हैं और कोच होता है वो उसकी, अगर उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो उसमें वो मतलब वो प्रिय रहेगा। सोशल प्रेशर टू बी द बेस्ट लुकिंग, उसका लुक भी अच्छा दिखेगा। फिजिकली हैविंग द आइडल बॉडी इमेज, बॉडी इमेज आइडल कैसी होनी चाहिए, मतलब मस्कुलाइन बॉडी होना चाहिए तो उससे बनता है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स उसके बहुत होते हैं। द पर्क्स ऑफ स्टीरॉयड डोंट कम विदाउट ए प्राइस, मतलब उस जो फ़ायदे लेने जाने हैं तो उसके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स भुगतने होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टीरॉयड्स आर वेरी सीरियस, और वो बहुत ही सीरियस होते हैं। तो इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अगर हमने स्टीरॉयड्स है वो मेडिकल, अंडर मेडिकल सुपरविजन में, मेडिकल गाइडेंस में, अगर लिमिटेड टाइम और लिमिटेड डोज में नहीं लिया और लंबे समय तक ज़्यादा डोज में ले लिया तो उससे क्या क्या होते हैं, तो सीवियर एक्ने होते हैं, लीवर डैमेज होता है, कैंसर होता है, गाइनेकोमास्टिया होता है, डिप्रेशन, श्रिंकेज ऑफ टेस्टिकल्स, एक्सट्रीम एग्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड इम्पोटेंसी भी हो सकता है। सीवियर एक्ने की बात करें तो सीवियर एक्न मतलब वो खील जो होते हैं, पिंपल्स होते हैं, लेकिन बहुत ही सीवियर होते हैं, ये चित्र में दिखाए गए हैं। तो सीवियर एक्ना इज़ ए कॉमन साइड इफेक्ट कोज फ्रॉम द इम्बैलेंस ऑफ टेस्टोस्टोरन, टेस्टोस्टोरन का लेवल इम्बैलेंस होने से वो हो जाते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट टू चेस्ट एक्ना, द सीवियरिटी ऑफ द ब्रेकआउट लेफ्ट परमानेंट स्केरिंग, इसका अगर एक्ना का ट्रीटमेंट करोगे तो भी उसके जो दाग है वो चेस्ट पर ऐसे परमानेंट रह जाएंगे। इन परस्यूट टू अचीव ए ग्रेट बॉडी, दिस 21 ईयर ओल्ड मेल परमानेंटली डिसफिगर्ड हिज बॉडी। स्टीरॉयड लेके बहुत ही अच्छा दिखने की जो तृष्णा में, ये जो 21 ईयर के मेल ने इसका स्टीरॉयड लिया और उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हुआ वो उसका ये पिक्चर है, और उसने ये साइड इफ़ेक्ट ने इसकी चेस्ट को परमानेंटली डिसफिगर्ड कर दिया। गाइनेकोमस्टिया होता है, मतलब क्या है कि मेल है और अगर वो स्टीरॉयड लंबे समय पर ज़्यादा डोज पर ले रहा है तो उसका जो ब्रेस्ट है वो फीमेल जैसा एनलार्ज हो जाता है और वो रिवर्स भी नहीं होता, अगर विड्रॉ करते हैं स्टीरॉयड तो उसकी सर्जरी ही करनी पड़ती है। डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन इज़ ए वेरी सीरियस साइड इफ़ेक्ट ऑफ स्टीरॉयड्स, और वो भी अगर स्टीरॉयड आप विड्रॉ करते हो तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है वो अनबैलेंस हो जाता है और उससे डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन में सुसाइडल टेंडेंसी भी देखी जाती है। स्टीरॉयड्स लेने वाले का डिप्रेशन से मतलब मोर्टालिटी रेट कितना है वो बाहर इसलिए नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि लोग बोलते नहीं हैं कि वो स्टीरॉयड ले रहे थे। रोइड रेज मतलब स्टीरॉयड जो ले रहा है उसका
टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना हाई हो जाता है कि उसको उसको ऐसे इम्पल्स आते हैं कि जिसमें वो अपने खुद के बॉडी को भी नुकसान करता है और उसमें वो अपने साथ रहने वालों को भी अगर कभी कभी मार देता है या तो काफ़ी नुकसान करता है। सो सीवियर एग्रेशन इज द शॉकिंग ट्रूथ ऑफ स्टीरॉयड्स। विथ हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल योर बॉडी रिएक्ट्स टू द इम्बैलेंस कॉजिंग मूड स्विंग्स होता है। वायोलेंट आउटब्रेक्स कैन अक्कर इन ए स्प्लिट सेकंड। मोस्टली हैपन्स व्हेन योर बॉडी इज इन विड्रोअल प्रोसेस। जब आप स्टीरॉयड का डोज कम कर रहे हैं या नहीं ले रहे हैं तब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो इम्बेलेंस होके मूड स्विंग करके वायोलेंट अटैक आता है जिसमें आप अपने आप को भी और फैमिली को भी इंजर्ड कर सको। एथलेटिक इफेक्ट्स। स्टीरॉयड्स नॉट ओनली हार्म योर हेल्थ बट योर इमेज। आपकी ये एथलेट्स ज़्यादातर एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स लेने लगते हैं। उसको पता है कि इससे मसल मास और बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ती है जिससे वो कंपटीशन में हमेशा और अपने फैंस और कोच में प्रिय रहेंगे आगे रहेंगे तो वो उसका यूज़ करते जाते हैं डोज बढ़ाते जाते हैं। लेकिन वो थोड़ा समय ही चलता है फिर बाद में उसके ब्लड के लेवल में भी स्टीरॉयड लेते हैं जो कि प्रतिबंधित है वो आ जाता है तो उससे उसको फिर उसमें से स्पोर्ट्स में से निकाल दिया जाता है। स्कॉलरशिप नहीं मिलती है वो जो रोल मॉडल था वो उसकी इमेज ख़राब हो जाती है और स्टीरॉयड्स के जो इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स है वो भी उसे भुगतने पड़ते हैं। कभी कभी डिप्रेशन में वो सुसाइड भी करता है और वायलेंट अटैक में वो फैमिली को भी मार देता है। तो बेटर है कि एथलेट्स है इसका यूज़ ना करें। रियल लाइफ में डेथ फ्रॉम स्टीरॉयड्स इज रियल। प्रो रेसलर चेरिस बेनॉइट वॉज सेड टू बी यूजिंग स्टीरॉयड्स फॉर सम टाइम। ऑन June 26, 2007 में चेरी स्नैप्ड एंड किल्ड ही सेवन। इसने ये जो रेसलर था चेरिस बेनोइट वो स्टीरॉयड का यूज़ कर रहा था और उसने 2007 में June 26 को अपने 7 ईयर के बेटे को मार दिया और 43 ईयर की उसकी वाइफ को मार दिया था। इट इज़ सेड दैट चेरिस हैड बीन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। वो खुद डिप्रेशन में था तो ऐसा हुआ है। एक दूसरा एग्जांपल ले तो एड गेंटनर एन एनएफएल प्लेयर वांटेड टू बी द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फुटबॉल प्लेयर ही कुड पॉसिबली। ही एक्सपेरिमेंटेड विथ लॉट्स ऑफ स्टीरॉयड्स विच लेड हिम इन टू एक्सट्रीम डिप्रेशन एंड अल्टीमेटली टू किज ओवन लाइफ। ये एक दूसरा फुटबॉल प्लेयर था जिसने लॉट्स ऑफ स्टीरॉयड लिए और सुसाइड करके वो मर गया। तो उसने क्या कहा कि ही सेड द आइडिया इज़ टू टेक एज मैनी स्टीरॉयड्स एज यू कैन एंड गेट आउट बिफोर द स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स का साइड इफ़ेक्ट्स इतना सारा है कि वो आपको किल कर देता है। अल्टर तो स्टीरॉयड्स नहीं लेना चाहिए और उसका मतलब स्टीरॉयड से जो हमें फ़ायदा होता है ऐसा फ़ायदा बिना स्टीरॉयड्स के हमें कहाँ से मिले वो देखे तो देर आर प्लेंटी ऑफ वेज दैट वन कैन बिकम फिट एंड इन शेप विदाउट द यूज़ ऑफ स्टीरॉयड। इसमें क्या है तो एक गुड डाइट दैट वर्क्स फॉर यू। क्विक फिक्स कैन बी कटिंग आउट पॉप एंड फास्ट फूड। गुड वर्क आउट प्लान दैट यू कैन फिट इन टू योर शेड्यूल इवन इफ इट्स ओनली अ फ्यू टाइम ए वीक भी हो सकता है। वैन वॉचिंग टीवी एट एवरी कॉमर्शियल डू सिट्स अप्स एंड पुश अप्स ए परफेक्ट बॉडी कैन बी अचीव बाई डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। इवन ऑन स्टीरॉयड्स यू मस्ट डाइट एंड एक्सरसाइज। आप स्टीरॉयड लेते हो तो भी आपको सर्टन टाइप्स के फूड्स लेने होते हैं और एक्सरसाइज करनी होती है। तो क्यों इसकी साइड इफेक्ट्स इतनी ज़्यादा है और वो हमें एडवांटेज के बजाय डिसएडवांटेज ज़्यादा करता है तो क्यों हम उसको न लेके डाइट और एक्सरसाइज का पालन करें।
ये सोचने जैसी बात है कि स्टीरॉयड्स डू हार्म टू योर सेल्फ एज वेल एज अदर्स. यू वुड नेवर वॉन्ट टू हार्म फैमिली बिकॉज ऑफ रेज, जो आप नुकसान नहीं कर सकते. बिकमिंग ए प्रो एथलेट वुड बी अमेजिंग बट नॉट विथ एन रिस्क ऑफ बाई योर नेम. बेसिक फैक्ट, टू अचीव हाई एथलेटिक गोल्स वन नीड्स टैलेंट. स्टीरॉयड की ज़रूरत नहीं है आपको, टैलेंट की ज़रूरत है. ऑलवेज रिमेंबर यू आर ए रोल मॉडल टू समवन. काफ़ी लोग आपको रोल मॉडल मान के आपको फॉलो करते हैं, तो आप ऐसी चीज़ें यूज़ ना करें जो आपको भी नुकसान करें और आपके फैमिली को भी नुकसान करें और आप अपने कैरियर को भी बर्बाद कर दें. थैंक्स.